बकरीद और जन्माष्टमी पर्व के मद्देनजर शांति एवं सद्भावना समिति की बैठक जिलाधिकारी के विजय पांडे की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। बैठक में एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता, एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव, सिटी मजिस्ट्रेट अजीत कुमार सिंह, एसपी साउथ विपुल कुमार श्रीवास्तव, एसपी नॉर्थ अरविंद कुमार पांडे, सीएमओ डॉक्टर एसके तिवारी सहित समिति के सदस्य बलवीर सिंह, भगवती जालान सहित अन्य अधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। इस दौरान समिति के सदस्यों ने जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेयन को एकल पुष्प और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। बैठक को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेयन ने कहा कि प्रशासन त्योहारों को सकुशल ढंग से संपन्न कराने हेतु कटिबद्ध है और इसके लिए पूरी तरह तैयार है। त्यौहार सभी का होता है, इसलिए आपसी मेल मिलाप एवं शांतिपूर्ण वातावरण में सौहार्दपूर्वक ढंग से मनाया जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि बकरीद और जन्माष्टमी पर्व को देखते हुए साफ सफाई, गड्ढा मुक्त सड़कें, ढीले एवं जर्जर तार पोल को ठीक कराने के लिए साथ ही अनवरत रूप से जलापूर्ति, विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को देते हुए कहा कि किसी भी स्तर पर शिथिलता ना बरती जाए। जिलाधिकारी ने थानावार शांति समिति की बैठकें आयोजित करने के निर्देश सभी थानाध्यक्षों को देते हुए कहा कि वे अपने अपने क्षेत्रों में निरंतर निगरानी रखें तथा हर छोटी छोटी बातों को काफी गंभीरता से लिया जाए ताकि वो बड़ी बात ना बनने पाए। उन्होंने त्योहारों के अवसर पर छुट्टा पशुओं के विचरण एवं पूर्णतया प्रतिबंधित करने के निर्देश दिए। आप लोग जो अभी आए हैं वो सब लोग अपने अपने विचार रखे, कोई पिछले युग के दौरान अगर कोई कमी रह गई हो तो उसके संबंध में चर्चा करें। पिछली बात भी हम जिलाधिकारी साहब को सम्मानित करना चाह रहे थे, पर दुर्भाग्यवश हमारा दुर्भाग्य रहा, एडीएम साहब छुट्टी पर थे और आज हमको समय मिला है, डीएम साहब हैं और हम शांति सद्भावना कमेटी की तरफ से, पूर्वांचल सिख प्रतिनिधि बोर्ड की तरफ से और हमारे पूर्वांचल के जितने भी शांति सद्भावना कमेटी के सदस्य हैं इनकी तरफ से जिलाधिकारी महोदय को सम्मानित किया जाना है। तो आप में जहाँ पर भी रहे हैं, नगर पालिका में रहे हैं, हमेशा आपको याद रखेगी। मैं उसी तरीके सबसे पहले अपने मीटिंग है ये तो ये सम्मान ताली बजाइए भाई, अच्छा से सम्मान देंगे तो जैसे आपको सहयोग क्या क्या चाहते हैं वो हम चाहता हूँ ताकि उसको हम लोग पहले तैयारी कर लें। हम ये बुला रखा है जो कमी है वो हम लोग समय से पूरा कर लेंगे। त्यौहार को बहुत शांतिपूर्वक बहुत बढ़िया से बुलाएंगे। सर मैं ये चाहता हूँ जो पिछली बात हुई थी मीटिंग में सारी बात हुई थी वहाँ एक चूक हो गई थी बेनी ईदगाह में। बेनी में टाइम एक शान नमाजी को चल गया था। जी जी सर, जानवर था वो हमारा पशु नहीं, ताड़ बचे तो जान रहे होंगे। नहीं वहाँ पर वो श्रीवास्तव साहब की वो गंदा में बैठा था, अचानक उड़ की भीड़ में नमाजी को बना गया तो हम सभी बैठे लगा दिया जाए, मतलब केवल नमाजी जाए वो हमारे ट्रैफिक वाले हम लगा देंगे। सर नहीं वहाँ सब लगते हैं पूरी फोर्स की, अब यहाँ तक साफ करने वाले भी लगते हैं सुबह में खड़े होते हैं। तो देखिए शहर में साठ लगभग तो खत्म ही कर दिया है केवल दुदार। सर ये पहली बार होना है सर, कभी होता है ना। ठीक बात है, आगे होगा, बहुत अच्छी बात, अच्छी बात होता है। दूसरी बात ये कि जी इसकी जो कुर्बानी होती है वो करीब ये दिवालीपुर जाफरा बाजार होगा, ये नागल कई एरिए में बता दिए तिवारी और राजधानी ये तीनों क्षेत्र में ज़्यादातर कुर्बानी होती है। इसमें सर नगर निगम की साफ सफाई जो है चूना छिड़काव वो सही है, ये होना हता होता है। दूसरी यही बात नॉर्मल भी नहीं है, ये साइकिल से तीन ईदगाह है मतलब बड़ी ईदगाह, तो यदि अगर बारिश होती है तो ईदगाह में भीड़ की संख्या कम हो जाती है तो मस्जिदों में नमाज ईद की अदा की जाती है। समय क्या होता है आपका सर? मौलाना से साढ़े आठ बजे, साढ़े आठ बजे नौ बजे
बीनिंग ईदगाह में 9 बजे, ये तीन मतलब अहम ईदगाह जो है 8:30 से 9 बजे ईदगाह में सर शुरू हो जाए।